हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले छोला फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 20 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इस स्टॉक में हमें फ्राइडे के दिन जो क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 6.49% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 510.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पर बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या होता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं हमें क्या देखने मिल रहा है। तो करंटली यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम में, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ कैंडल की, कैंडल यहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंडल जो है बनती हुई हमें देखने मिली है। यहाँ पे याद रखें हमने रिसेंटली जो इसका भी स्टॉक का वीडियो लाया जहाँ पे हमने कहा था 510 तक आपको आते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे क्लोजिंग ही जो यहाँ पे 510 के आसपास जो हमें देखने मिल रही है। मतलब यहाँ पे जिस तरह से हमने कहा था कि डाउन साइड बड़ा मूवमेंट आने वाला है इस स्टॉक में, तो वैसा ही कुछ हमें जो स्टॉक में देखने मिला। बाकी यहाँ पे अगर आपने हमारा वो पुराने वीडियो को नहीं देखा जरूर आप देख ले। बाकी अगर मैं बात करूँ RSI की, RSI यहाँ पे जो है 30 के आसपास जो आ चुका है, जो यहाँ पे ऐसा लगता है ओवरसोल्ड एरिया में जरूर जो आपको आते हुए देखने मिल सकता है। करंटली RSI जरूर हमें एक अपसाइड का जो इशारा देता है, लेकिन याद रखें RSI हो या फिर इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली ये स्टॉक जो मेरे लिए अब भी यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक जो अब आपको जो है 480 तक आते हुए देखने मिल सकता है। मैं कहूंगा थोड़ा सा जरूर जो है इस स्टॉक में कॉशियसली काम करें। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा कॉशियसली काम जरूर करना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा चार्ट जो नेगेटिव होने वाला है इस स्टॉक में। तो यहाँ पे 20 MA भी जो नीचे चल रहा है 50 MA का, और ऐसा लगता है 200 MA भी जो है अभी जो है कैंडल जो है उसके नीचे चले गया। तो यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव ज्यादा जो हमें देखने मिल रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे 1 आवर के चार्ट में। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 डे के 1 आवर के चार्ट में, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मार्क करके आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो सेम टू सेम यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा जो है पुराने वीडियोस का यहाँ पे जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का जो यहाँ पे आपने चार्ट नहीं देखा है, मतलब प्लेलिस्ट जो है वो नहीं देखी है, तो जरूर जो आप देख ले क्योंकि वहां पे हमने आप सभी को जो है पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पे आप सभी को समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या हमारा जो है कैंडल जो है हमें किस तरह से हेल्प करते हैं अपना जो है ट्रेड लेने में, और यहाँ पे अच्छी तरह से आप जो उसी को जो है देखते हुए ट्रेड ले पाओगे। यहाँ पे हमने डोजी कैंडल, हैमर और यहाँ पे ट्रेडर्स का फेवरेट मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में भी जो है बात की है, तो जरूर जो आप वहाँ पे देख ले। बाकी यहाँ पे अब जो है हमारा मार्किंग जो है वो हो चुका है। बात करते हैं हम इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 510 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई, डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 505.50 का। डायरेक्ट सपोर्ट की बात कर, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 511.05 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। बाकी यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से देखने, टारगेट किस तरह से डिसाइड करना है, डिफरेंस किस तरह से रखना है, क्यों रखना है, वो सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही जो यहाँ पे आपको 8 या 9 मिनट के ऊपर जो वीडियो देखने मिल जाएगा
उस वीडियो को आप जरूर देख ले ताकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। कोई भी स्टॉक का वीडियो देख ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट मेन क्लियर होना जरूरी है। एक बार यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपने उसको जो है आप कोई भी स्टॉक में अप्लाई करोगे जरूर जाओ वहां पे प्रॉफिट करोगे। तो अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको मंडे के लिए इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो वो बता देता हूँ। डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता 499.95 का, उसके बाद का डायरेक्ट अगला सपोर्ट आता 495.10 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 518 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस आता है 527 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो आपको बता दिए, तो जरूर जो उसको कंसीडर करते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन के इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को मुझे लगता है इस स्टॉक में जरूर जो आपको यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट जो देखना मिल सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको जरूर जो है यहाँ पे मौका मिल सकता है एक ट्रेड लेने का और यहाँ पे प्रॉफिट करने का मंडे के दिन। 518 तक ये स्टॉक जो मुझे आते हुए देखने मिल सकता है और इसी बीच जो आपको क्लोजिंग देखने मिल सकता है। क्लोजिंग भी यहाँ पे पॉजिटिव जो हमें देखने मिल सकती है ऐसा हमें लग रहा है। बाकी यहाँ पे ओपनिंग जो है हम जरूर देखेंगे स्टॉक में मंडे के दिन किस तरह से, उसी बेसिस पे यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेंगे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।